नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक में आपका स्वागत है। साथियों, आज इस आज सुशांत सिंह राजपूत जी की मृत्यु के साथ या आत्महत्या के साथ, सुसाइड के साथ एक बहुत बड़ा सवाल समाज के सामने खड़ा हो गया है। सवाल सामने ये खड़ा हो गया है कि हम अपने जीवन को आखिर किस दिशा में ले जाएं? एक व्यक्ति था, एक इंसान था, एक वो बहुत छोटे से बिहार के गांव से उठा, बॉलीवुड के शीर्ष स्थिति में पहुंचा, जिसको इस बात ने साबित कर दिया कि जब उसकी डेथ हुई तो हर बॉलीवुड सेलिब्रिटी आई थी। वो व्यक्ति 4.5 लाख रुपए महीने किराए के मकान में रहता था, जैसा मुझे समाचारों से मालूम पड़ा। उस व्यक्ति की एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी थी, शायद वो उससे शादी भी करता, उसके पास फिल्में भी थीं, उसको इस समाज ने रिकग्नाइज भी करा था, समाज उसको जानता था। अब उसका भी एक एग्जाम्पल है, अभी एक उनके फैन ने जो है आत्महत्या कर ली। तो जिस व्यक्ति को इतना कुछ मिला हो, वो भी डिप्रेशन में था, यह समाज के लिए विषय है। समाज किस तरफ जाए? हम लोग के बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, हम लोग स्थिति रखते हैं 99.9 या 100% लाए हुए व्यक्ति का उसको एग्जाम्पल देते हैं, तो महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। इन परिस्थितियों में आप क्या करोगे? सुशांत सिंह राजपूत जी का जो यह आत्महत्या हुई, खुद उन्होंने करी, इसने वास्तव में इस समाज को आहत करा है। और हमको, मैं फिर कहूंगा, विचार करना पड़ेगा कि हम अपने जीवन को किस दिशा पे ले जाएं। अपने पास मेरी समझ से दो विकल्प हैं। एक विकल्प है कि हमारे पास जो कुछ है, जो कुछ हमें मिला है, उसमें संयम रखें। संयम मीन्स उसमें भी संयम रखें। सफलता पाना और सफलता संभालना भी एक विषय है। सफलता आपको मिल जाए, लेकिन सफलता को संभालना बहुत बड़ा विषय है। परिस्थितियाँ सबके सब विरुद्ध होती हैं, किसी आदमी के फेवर में नहीं होती। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे 6.5-7 लाख सब्सक्राइबर थे, आप सब साथी थे, और अचानक मेरा चैनल यूट्यूब पर डिलीट हो गया। परिस्थितियाँ बदली, लेकिन जीवन एक जंग है, हमको इसको लड़ते रहना है। तो मैं ये वीडियो बनाने का मकसद इस समाज को ये मैसेज देना है कि यह जो सुशांत सिंह राजपूत जी की स्थिति में हुआ, मैं उनकी वास्तविक स्थिति नहीं जानता हूँ, लेकिन जो ये हुआ या उन्होंने करा, यह हमारे समाज के लिए एक आइडियल एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए। चीजें आएंगी, चीजें जाएंगी, शासन गिरेंगे, शासन आएंगे, सरकारें गिरेंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन आप देखिए कोई डिप्रेस नहीं होता। यहाँ पर मैं कांग्रेस की बात कर लूँ तो 10 साल से वो पावर में नहीं है। अब आप बताइए कितने लोगों ने उनमें से डिप्रेशन करके आत्महत्या कर ली? ऐसा नहीं होता है। तो मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगा कि अपने को डिप्रेशन में ना आने दें। और डिप्रेशन कोई चीज़ भी नहीं होती, डिप्रेशन एक बहाना होता है आपका लोगों से भागने का, आपका अपनी स्थिति से भागने का। जब आप सुसाइड करते हैं या कुछ इस तरह का कार्य करते हैं, तो आप अपने सुसाइड के साथ कितने लोगों की जान ले जाते हैं आपको अंदाजा भी नहीं है। आपका परिवार जो आप पे निर्भर है, आपके बच्चे आप पे निर्भर हैं, आपके माता पिता आप पे निर्भर हैं, आपके भाई बहन आप पे निर्भर हो सकते हैं, आपकी वाइफ आप पे निर्भर हो सकती है, आप सबके जीवन को ले जाते हैं। तो हमको जीवन में भागना नहीं है। मैं डिप्रेशन को बीमारी नहीं मानता हूँ, डिप्रेशन केवल एक बहाना है कि आप अपनी स्थिति से भागें। तो यह हमको नहीं करना है, हमको जंग है, हमको लड़ते रहना है और हमको जीवन में आगे बढ़ते रहना है। यही जीवन है, यही चक्र है। मौत तो जब जिसकी आनी है वो आएगी ही आएगी, लेकिन स्वयं हम अपनी मौत के लिए सीधे रूप से जिम्मेदार हों, प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हों, यह भी समझदारी नहीं है। क्योंकि खाली हाथ हम लोग आए थे, हमको जो मिला वो बहुत है, जो मिला वो भी तो हमारे पास नहीं था। क्योंकि विषय सुशांत जी का है, तो मैं कहना चाहूँगा कि
जब वो आए होंगे तो उनके पास बड़ी गाड़ी नहीं होगी, आज उनके पास मर्सिडीज थी। जब वो आए होंगे तो 4.5 लाख रुपए महीने के मकान में फ्लैट में नहीं रह रहे होंगे, आज वो उसमें रह रहे थे जैसा समाचारों से पता लगा। जब वो आए होंगे तो उनके पास कोई फिल्म नहीं होगी, और आज जब वो वहाँ पे थे तो शायद अभी खबर में पड़ा था कुछ फिल्में, 6 फिल्में उनकी 7 महीने में 6 फिल्में उनके हाथ से निकल गई थी। अभी जो भी बॉलीवुड नेक्सस हो, वो तो हम आप सब जानते हैं कि कोई किसी को उठने नहीं दे सकता। वो जो माननीय मोदी जी ने कविता दोहराई थी, सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, तुम चल सको तो चलो। तो यह जो कविता पार्लियामेंट में भारत की कही गई थी, यह वास्तव में बहुत सही बात है। एक चाय जो बेचता था उस व्यक्ति के जुबान की वो कविता थी जो देश का प्रधानमंत्री है। हमारी युवा पीढ़ी को ये बात समझनी पड़ेगी कि जो मिले उसको रखो, ग्रहण करो, फिर एक कदम आगे बढ़ो, फिर एक कदम आगे बढ़ो, बढ़ते रहो। लेकिन रास्ते में गिराव आएंगे, रास्ते में चोट आएंगी, उन चोटों को भी झेलना पड़ेगा। नो पेन नो गेन, मोर पेन मोर गेन, बस यही वो है। मैं सुशांत सिंह राजपूत जी के जो उन्होंने हासिल करा उसको कहीं से, उस गरिमा को कम नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। जो उन्होंने हासिल करा वो अविस्मरणीय था, अविस्मित करने वाला था, और वो हर किसी को नहीं मिलता। आज आपसे कहा जाए बॉलीवुड के स्टार के नाम बताओ तो आप 10 से ज़्यादा 5 से ज़्यादा स्टार के नाम नहीं बता पाएंगे 125 करोड़ की आबादी में। तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने जो हासिल करा वो अद्वितीय था, लेकिन उसको सफलता को संभाल कर रखना भी एक कला है। तो हमारी युवा पीढ़ी इन बातों को एग्जाम्पल न मान के दृढ़ता से अपने पथ पे आगे बढ़े, यही मेरा निवेदन है। और मैं फिर कहूँगा अपने इस बात को ख़त्म करते हुए कि डिप्रेशन एक केवल बहाना है कि आप एक काम का एक्सक्यूज है कि आप नहीं करना चाहते हैं। कोई बीमारी डिप्रेशन नहीं होती, हर किसी के आगे समस्याएं, चाय बेचने वाले के आगे भी समस्या है। एक खुमचल 3 महीने लॉकडाउन, आप बताइए कितने लोगों ने सुसाइड करा। 3 महीने का लॉकडाउन है, 70% आबादी देश की रोज खाने वाली डेली वेजर्स है, डेली अर्नर्स है, कितनों ने सुसाइड करा? किसी ने नहीं करा, किसी ने भी नहीं करा। सब संघर्ष कर रहे हैं, कोई 13-13, 14-1400 किलोमीटर पैदल चल रहा है, लेकिन सब संघर्ष कर रहे हैं। तो हमको भी उस संघर्ष का हिस्सा बनना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। धन्यवाद। Thank you.